जैसे कि आप लोग रिसेंटली मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि भाई देखिए यहाँ पर ग्रो ऐप के अंदर हम लोग कैसे लिमिट प्राइस के अंदर यहाँ पर जो हमारे ऑर्डर्स है या फिर चेयर्स है उसको प्लेस करें, तो गाइस देखिए यही चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग कह दूँ डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दिया है, आप लोगों को जो भी क्वेरी आती है आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। सबसे पहले गाइस देखिए मैं यहाँ पर कोई भी शेयर को चुन लेता हूँ, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ से मान लीजिए आपका जो कोई भी शेयर है आप लोगों को जिस भी शेयर को लिमिट प्राइस के अंदर खरीदना है, ठीक है। अब दूसरी देखिए लिमिट प्राइस क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने जो शेयर पिक किया ये जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसकी प्राइस। अब देखिए नीचे आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेरे पास आ रहा है बाय और सेल, मैं करता हूँ बाय। अब बाय करने के बाद दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए आप लोग देखेंगे तीन चीज़ें आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहा है एडवांस ऑप्शन। अब कि देखिए हम लोग जब एडवांस ऑप्शन में आएंगे, ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि जो एडवांस ऑप्शन के अंदर जो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर यानी कि देखिए जो SL ऑर्डर है इसको वो समझ रहे हैं लिमिट प्राइस, ठीक है। तो देखिए लिमिट प्राइस नहीं है, ठीक है। अब कि देखिए स्टॉप लॉस में क्या हो रहा है आप लोग नाम सुनकर ही समझ जाएंगे कि स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, मतलब कि देखिए हम मान लीजिए कि जो शेयर है इसकी करंट प्राइस है 209 रुपये, जो शेयर है इसकी प्राइस। अब दूसरी देखिए आप लोग इसको खरीदना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको इसको खरीदना है जब ये शेयर 209 रुपये का है अभी, तो जब ये 205 रुपये का हो जाए, ठीक है, या फिर कहीं देखिए 208 रुपए का हो जाए। और गाइस मान लीजिए हम लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में डाल दिया 208 रुपए, तो गाइस देखिए मैं यहां पर डाल देता हूं 208। तो अब दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे मैंने 208 डाला, ये क्या बता रहा है, देखिए क्या बता रहा है, ट्रिगर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, मतलब कि यहाँ पर ये जो ट्रिगर प्राइस है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 209 की जगह यहाँ पर हमारी जो ट्रिगर प्राइस है वो कम से कम 211 होना चाहिए। देखिए आप लोग यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं जो हमारी मार्केट प्राइस है वो 209 रुपये और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस है वो 211 रुपये। अब दूसरी की आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 211 रुपये, ठीक है, तो जैसे ही ये शेयर 211 रुपये का हो जाएगा हम लोग इसको जब परचेस करें, नहीं कीजिए लिमिट प्राइस ये नहीं होता है। मैं आप लोग बता दूं लिमिट प्राइस में आप लोगों को शेयर परचेस करने के लिए दिए आपको यदि लिमिट प्राइस लगाना है तो कहीं देखिए एडवांस ऑप्शन से सबसे पहले तो आप लोग इसको सिंपली रेगुलर ऑर्डर करिए, ठीक है। अब रेगुलर ऑर्डर को करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा प्राइस का क्या मार्केट, यहाँ पर जो मार्केट दिख रहा था ना जहाँ पर देखिए जो मार्केट है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट के ऊपर आप लोग जब क्लिक कर देंगे तो आप लोग आ जाएंगे लिमिट के ऊपर, ठीक है। अब गई मान लीजिए इसकी प्राइस है 209 रुपये अभी फिलहाल में 65 पैसे, ठीक है, तो मानते हैं कि हम लोग को परचेस करना है जब कहीं देखिए इसकी प्राइस हो जाए 208 रुपये 50 पैसे। तो अब गाइस मान लीजिए हमको इसको जब परचेस करना जब इसकी प्राइस हो जाती है 208 रुपये 50 पैसे। अब दूसरी देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है 208 रुपये 50 पैसे, आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या रहा है एक शेयर यहाँ पर 208 रुपये 50 पैसे। आप लोग यहाँ पर ऊपर की साइड देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में करंट वैल्यू क्या है 209 रुपये 75 पैसे। अब देखिए फिलहाल में तो मेरे पास क्या जो मेरा अकाउंट है उसमें यहाँ पर सफिशियंट बनी नहीं है, जो मेरा ग्रो ऐप का अकाउंट है मैंने उसमें पैसा नहीं डाला है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं पैसा डाल देता हूँ यहाँ पर जो प्राइस लिमिट आ रहा है मैं इस लिमिट के अंदर जो इसका प्राइस है वो सेट कर दूंगा। तो कही थी कि यहाँ पर क्या होगा जब कभी भी ये जो शेयर है कहीं आप लोग देखेंगे सबसे पहले ये 208 रुपये 50 पैसे के भाव पर आएगा तो जो मेरा शेयर है कहीं देखिए वो ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर जो मेरा शेयर है मैं उसको परचेस कर लेता हूँ और वो मेरा डैशबोर्ड में शो होने लग जाएगा। लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिमिट प्राइस का यूज़ कर सकते हैं, लिमिट प्राइस इसीलिए होता है कि कहीं आप लोग देखिए आपके हिसाब से जो आपका पैसे की लिमिट है, ठीक है, आप लोग जिस भी प्राइस में जो आपका शेयर है उसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग उस लिमिट को अपने हाथों से सेट कर सकें कि आप लोग किस लिमिट के बाद या फिर किस लिमिट के नीचे जैसे ही जो शेयर आए तो आप लोग उस लिमिट के बाद जो अपना शेयर उसको खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस से क्या होता है, मान लीजिए कि आपको अपना स्टॉप मतलब आप लोग अपना लॉस बचाना है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस का मतलब देखिए ये होता है कि मान लीजिए कि ये शेयर अभी फिलहाल में 209 रुपये का है और अब हम लोग चाहते हैं कि ये कहीं देखिए ज़्यादा आगे नहीं जाए, मान लीजिए शेयर आप लोग को लगता है कि 211-12 पे जाने वाला है तो बस टाइम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर 210 यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाल, आप लोग स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस 210 रुपये डाल के शेयर को परचेस करते हैं और आप लोग देखिए शेयर को और भी कम प्राइस में परचेस करना है तो आप लोग लिमिट प्राइस देखिए डालिए, आप लोग 110% हो जाएगा। होप गाइस आप लोग इस वीडियो से हेल्प मिली।